हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चाइल्ड्स प्ले फ्रेंचाइज का पांचवा पार्ट, सीड ऑफ चकी। ये रिलीज की गई थी 2004 में और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 4.8 है। ये फिल्म सीरीज की सबसे वीक फिल्म मानी जाती है, लेकिन इसके बाद के सारे पार्ट्स काफी अच्छे और सीरियस हैं। सीड ऑफ चकी हॉरर तो नहीं, लेकिन एक कॉमेडी मूवी जरूर है जिसमें एक डॉल फैमिली है। इस फिल्म में कई सारी अजीब और कंफ्यूजिंग चीजें होने वाली है, तो उनके लिए भी तैयार रहिए। और अगर आपने अभी तक पिछले चार पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगी, उन्हें भी पहले जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की क्लोडिया को, जिसे किसी ने गिफ्ट में एक डॉल भेजी है। लेकिन क्लोडिया को ये डॉल बहुत बदसूरत लगती है और वो उसे ट्रैश में डाल देती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। इसके बाद रात में वो डॉल एक नाइफ लेकर क्लोडिया के रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसका फादर इस डॉल को देख लेता है और डॉल उसके सीने में चाकू मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है जहाँ क्लोडिया की मदर शावर ले रही थी, जो इस डॉल को देख कर काफी डर जाती है और टब से फिसल कर गिर जाती है और सर फटने से उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये डॉल क्लोडिया की ओर बढ़ता है, लेकिन ये सब एक सपना है जो देख रहा है चकी और टिफनी का सन या डॉटर, जिसका नाम सिट फेस है अभी के लिए। तो पिछली फिल्म में हमने देखा था कि ये पैदा होते ही एक पुलिस वाले को मार दिया था। इसके बाद ये बिल नाम के एक आदमी को मिला और 6 साल से उसी के पास है। वो इसका इस्तेमाल पपेट शो दिखाने के लिए करता है, जो लोगों को काफी पसंद भी आता है। वहीं सिट फेस को अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसे लगता है वो जैपनीज है, क्योंकि उसके हाथ में मेड इन जापान लिखा है और उसे हमेशा खून खराबे वाले सपने आते हैं, जबकि असल में वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचता है कि वो कौन होंगे और कहाँ होंगे। इसके बाद सीन जाता है कब्रिस्तान में, जहाँ एक नकली सेंटा क्लॉस गुजर रहा था। उसे टूम्बस्टोन के पास चकी डॉल बैठा मिलता है। वो उसके पास जाता है और टिफनी उसके पीछे से आती है और चकी सेंटा को चाकू मार देता है और उसे बार बार स्टेप करने लगता है, लेकिन ये भी रियल नहीं है। और यहाँ शूटिंग चल रही है एक हॉरर फिल्म की, जो किलर डॉल चकी पर बेस्ड है। जी हाँ, चकी फिल्म के अंदर चकी पर एक फिल्म बन रही है। एक रिपोर्टर से हमें ये पता चलता है कि ब्राइड ऑफ चकी में जो मर्डर्स हुए वो अभी भी अनसॉल्व्ड है और उसी केस पर ये फिल्म बन रही है। साथ ही ये दोनों डॉल्स ओरिजिनल चकी और टिफनी के बचे हुए टुकड़े से ही रिबिल्ड किए गए हैं, जिसका मतलब ये चकी और टिफनी ही है, बस इनमें जान फूकने की देर है। इस मूवी में टिफनी का रोल कर रही है जेनिफर टिली। मजे की बात यह है कि इस एक्ट्रेस का रियल नाम भी जेनिफर ही है और पिछली फिल्म में टिफनी का रोल भी इसी ने किया था। मतलब जेनिफर एक फिल्म में जेनिफर का रोल कर रही है जिसमें उसे टिफनी का रोल मिला है, जिसकी वॉइस जेनिफर ने ही दी थी। इसके बाद ये रिपोर्टर चकी और टिफनी के एनिमेट्रॉनिक्स का इंटरव्यू लेती है, जो सिट फेस देख लेता है। वो चकी के हाथ पे मेड इन जापान भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये ही उसके असली पेरेंट्स हैं। और ये जानते ही सिट फेस अपना केज छोड़कर वहां से भाग जाता है और समहाउ एक प्लेन में बैठकर हॉलीवुड भी पहुंच जाता है और उसी स्टूडियो के मेकअप या प्रोप रूम में भी पहुंच जाता है। इधर जेनिफर रेडमैन को फिल्म का ऑडिशन देती है। रेडमैन को अपनी फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस की जरूरत थी और जेनिफर उसे घर भी इन्वाइट करती है ताकि ये रोल उसे ही मिले। शिट फेस प्रोप रूम में चकी और टिफनी का एनाट्रॉमिक्स ढूंढ लेता है और इसके पास हार्ट ऑफ डम्बेला का एम्यूलेट भी था। ये उस एम्यूलेट को यूज कर वही चैंट्स पढ़ता है और कुछ देर बाद चकी और टिफनी जिंदा हो जाते हैं। चकी शिट फेस का चेहरा देख डर जाता है और पूछता है कि ये बदसूरत बच्चा किसका है, और फिर शिट फेस बताता है कि वो ही उसके पेरेंट्स हैं। और ये सुन के चकी को चक्कर आ जाते हैं। भाई टिफनी उसे गले लगा के उसे एक्सेप्ट करती है और चकी कहता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इसके बाद टोनी, जो कि प्रोप आर्टिस्ट है, वहां आता है और टिफनी का बैक साइड ओपन करता है, जिसमें उसे वायर्स की जगह ऑर्गन्स मिलते हैं और चकी और टिफनी एक वायर से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। इसके बाद चकी और टिफनी आर्ग्यू करते हैं कि शिटफेस लड़का है या लड़की, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था। वो उसे चेक भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। टिफनी उसे लड़की मान ग्लेंडा नाम देती है और चकी उसे लड़का मान ग्लेन नाम देता है। इसके बाद जेनिफर भी उसी रूम में आती है और मेकअप आर्टिस्ट टोनी का सर उठा लेती है। उसे लगता है ये एक नकली प्रॉप है, लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि ये असली है
और वहाँ पुलिस आ जाती है और जेनिफर अपनी लीमो में अपने घर जाती है जिसके बैक सीट पर ग्लेन, चकी और टिफनी भी थे। यहाँ टिफनी अपनी सोल जेनिफर में और चकी अपनी सोल रेडमैन में ट्रांसफर करने का प्लान बनाते हैं और ग्लेन के लिए भी वो एक सरोगेट मदर ढूंढ लेंगे और फिर जो चाइल्ड होगा उसमें ग्लेन की सोल ट्रांसफर कर देंगे। रात में ग्लेन इनसे पूछता है कि ये लोगों को मारते क्यों हैं, जिस पर चकी कहता है कि ये उसकी हॉबी है और उसे ऐसा करना पसंद है। लेकिन टिफनी कहती है कि अब वो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं और उन्हें लोगों को मारना बंद करना होगा और वो चकी से प्रॉमिस भी ले लेती है। इधर जेनिफर रेडमैन के लिए रेडी थी और वो भी आ चुका था। फिर टिफनी चकी को अपना सीमन एक कप में निकालने को बोलती है और नीचे जाकर रेडमैन को बेहोश कर देती है और ये देख जेनिफर डर के भागती है लेकिन टिफनी उसे भी बेहोश कर देती है और चकी का सीमन जेनिफर में इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दे और उस बच्चे में ये ग्लेन की सोल डाल दे। इसी वक्त चकी विंडो के बाहर एक कैमरामैन को भागते देखता है जो जेनिफर की पिक्स लेने आया था और चकी ग्लेन को लेकर कार ड्राइव पर जाते हैं। रास्ते में चकी एक कार का एक्सीडेंट भी करता है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है और चकी और ग्लेन पीटर के पास पहुंच जाते हैं। चकी उसे मारने ही वाला था, वहां ग्लेन भी आता है और पीटर को मारने से मना करता है लेकिन पीटर उसे देख डर जाता है और गलती से अपने ऊपर एसिड गिरा लेता है और उसका फेस मेल्ट हो जाता है। और चकी को अपने बेटे पर गर्व होता है, उसे लगता है ग्लेन ने ये जानबूझकर किया। अगली सुबह जेनिफर और रेडमैन को कुछ याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। रात को डिनर पर जेनिफर रेडमैन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर रेडमैन कहता है कि ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता और अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तो उसे वो अपनी मूवी में रोल भी नहीं दे सकता। अब ये सुन ना सिर्फ जेनिफर पर टिफनी भी गुस्सा हो जाती है और अब टिफनी को एक और मर्डर करना होगा और जेनिफर के जाने के बाद टिफनी रेडमैन को मार देती है। अगले दिन टिफनी चकी को बताती है कि बूडू प्रेगनेंसी बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि अगली सुबह जेनिफर पूरी तरह प्रेग्नेंट हो गई है और चकी उसे बेड पर बांध देता है लेकिन उसके मर्डर वाला फोटो गिर जाता है और टिफनी ये देख लेती है और दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। चकी को एक लड़का चाहिए था जो उसकी तरह किलर हो और टिफनी को एक लड़की चाहिए थी। और ये सब सुन ग्लेन चिल्लाते हुए कहता है कि कोई उससे भी पूछ लो उसे क्या बनना है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज था। वो बॉय और गर्ल दोनों ही बनना चाहता था लेकिन किलर नहीं। चकी कहता है कि ये उनकी चॉइस है लेकिन वो किलर था और किलर रहेगा। इसके बाद टिफनी जेनिफर के ड्राइवर स्टेन को बुलाती है चकी की बॉडी के लिए और उसे भी बांध दिया जाता है। टिफनी की असिस्टेंट जोएन भी वहां आती है और चकी उसे मारने जाता है लेकिन इससे पहले वो उसे मारे टिफनी उसमें आग लगा देती है और जोएन भागते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है। लेकिन ये काम टिफनी ने नहीं ग्लेंडा ने किया था और उसने अपने आप को लड़की भी मान लिया था और उसे भी किलिंग करने में मजा आ रहा था और ग्लेंडा साइको की तरह बात कर रही थी और टिफनी उसे थप्पड़ मार उसे होश में लाती है। और इसके बाद जेनिफर की डिलीवरी होती है। जेनिफर एक लड़के को जन्म देती है जिसे देख चकी बहुत खुश होता है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जेनिफर एक और बच्चे को जन्म देती है जो लड़की थी। अब चकी हार्ट ऑफ डम्बेला लेकर रेडी था अपना रिचुअल करने के लिए। ग्लेन फिर कंफ्यूज था कि उसे लड़के की बॉडी में जाना चाहिए या लड़की की में और घर के बाहर पुलिस भी आ गई थी। टिफी चकी पर चिल्लाती है कि वो जल्दी रिचुअल शुरू करे और इस सब ड्रामे से चकी का दिमाग खराब हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उन्हें ह्यूमन बनना ही क्यों है, क्योंकि वो बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं और वो एक सुपर किलर डोल बनकर ही खुश है और वो चकी बन के ही रहना चाहता है। अब ये सुन टिफनी चकी से ब्रेकअप कर ग्लेन को अपने साथ रखने बोलती है और ये सुन चकी जेनिफर पे चाकू मारता है जो ड्राइवर अपने पर ले लेता है और टिफनी वो नाइफ चकी को मार देती है। इधर पुलिस भी एंटर हो जाती है और जेनिफर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जेनिफर उन ट्विंस को अपने बच्चे ही मान रही थी। यहाँ टिफनी और ग्लेन भी आते हैं और जेनिफर पर फिर से वूडू रिचुअल करते हैं लेकिन उसके कंप्लीट होने से पहले ही चकी टिफनी के सर पे एक्स मार देता है और टिफनी मर जाती है। ग्लेन ये देख काफी गुस्सा हो जाता है और चकी से लड़ता है और हाँ उसे कुंफू भी आता है। वो चकी के उसी एक्स से कई सारे टुकड़े कर देता है और आखिर में उसका सर भी काट देता है। इसके बाद जेनिफर ग्लेन को अडॉप्ट कर लेती है लेकिन एंड में पता चलता है कि टिफनी ने अपनी सोल जेनिफर में ट्रांसफर कर ली थी। चकी ने जिसे मारा वो जेनिफर थी।
और बाद में टिफनी ग्लेन को भी अपने बेटे में ट्रांसफर कर लेती है जो अब काफी बड़ा हो गया है, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इस मूवी का आगे की मूवीज से ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है और ग्लेन के कैरेक्टर को यहीं छोड़ दिया गया। सीड ऑफ चकी फिल्म किसी को पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट कर्स ऑफ चकी बहुत ही ज्यादा बेटर है। इस फिल्म की एक्ट्रेस जेनिफर टिली, जो टिफनी का भी रोल करती हैं, उनके साथ रेडमैन और टोनी ने भी अपने रियल लाइफ रोल्स ही किए हैं। टोनी एक फेमस स्पेशल इफेक्ट्स और मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आपको फिल्म कितनी अच्छी या बुरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द कर्स ऑफ चकी के साथ। Hush.